एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं और साई जा रहे हैं उमरा करने के लिए। मैं जा रही हूँ पूरे दो साल के बाद इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था और कोविड की वजह से हम लोगों को अलाउ नहीं था हरम में उमरा करने के उमरा के हम लोग जा सकें, और हज भी लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। साई गए थे 6 महीने पहले दिसंबर में, जब मेरे फादर इन लॉ आए थे, मगर तब मैं नहीं जा पाई थी। फिर उसके बाद तो टोटली इन्होंने मना कर दिया था जनवरी फरवरी में उमरा करने से, क्योंकि कहा था कि जब तक वैक्सीनेशन नहीं लगेगी और भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़र्स्ट डोज लग चुका है एस्ट्राजेनेका का 1 अप्रैल को, और अपॉइंटमेंट भी हमें मिल गया। बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला क्योंकि बीच में हमें नहीं पता था कि किस टाइम पे स्लॉट्स ओपन हो रहे। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली, फिर मुझे सब ने कहा कि दोपहर में 12 बजे स्लॉट्स ओपन होते हैं, आप अपना एक सेकेंड गाड़ी गुजर जाए। मैं हाईवे पे खड़ी हुई हूँ कि आप लें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और साई को स्लॉट मिल गया। और बीच में हम लोगों ने कई बार अपॉइंटमेंट लेके कैंसिल भी किया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बच्चे किसके पास छोड़ूं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नेबर इंडिया से वापस आ चुकी है, तो मैंने अपने बच्चों को उनके पास छोड़ा है क्योंकि वो बहुत 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 अच्छे से ख्याल रखेगी। इसलिए मैं ना मेंटली रिलैक्स होके उमरे पे जा रही हूँ आज, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं कोविड के बाद, क्योंकि सुनने में आ रहा है बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम अपनी गाड़ी भी ऊपर लेके नहीं जा सकते, हमें खुदाई में गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा। 2 पार्किंग जब आप स्लॉट्स बुक करते हैं तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपको जमारात की पार्किंग चाहिए, जमारात मीन जहाँ पे शैतान को कंकड़ियाँ मारी गई थी, या खुदाई पे। तो हमें खुदाई ठीक रहेगा, तो हमने खुदाई पे गाड़ी रोकेंगे, फिर आगे बस में जाएंगे, और वहाँ क्या क्या चेंजेस हैं वो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि कोविड के बाद क्या क्या चेंजेस आई हैं। थिंग्स आर नॉट सेम जैसे पहले हुआ करती थी। तो बस इस पाक सफ़र में आप लोग मेरे साथ चलें और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरस रहे हैं मक्का मदीना आने के लिए, लेकिन ये सारी कोविड के बाद जो भी सिचुएशन है और फ़्लाइट्स भी नहीं खुल पा रही, कितने लोग फंसे हुए हैं। तो अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से वापस लेकर आए, और जो लोग देखना चाहते हैं मक्का मदीना, मक्का स्पेशली, उनको मैं आज अपने साथ लेके चलती हूँ। तो चलो सब, टिकट लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं बस की, टिकट लेंगे। टिकट आई थिंक शायद 10 रियाल या 15 रियाल की है। जब तक साई टिकट बाय कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कुदई की पार्किंग से ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। बस में भी इन लोगों ने साथ साथ बैठने से मना किया है, तो साई आगे बैठे हैं, मैं पीछे बैठी हूँ। SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है। बस अब हरम चलते हैं। यहाँ पर है बस की पार्किंग जहाँ पर बस ने हमें उतारा है, और ये बिल्कुल सारी नई चीज़ें हैं मेरे लिए। मैं आगे जा रही थी तो बस वाले ने बताया कि नहीं, यहाँ पर उतर के यहाँ से सीधा जाएं। बहुत सारी चेंजेस कर दिए हैं कोविड के बाद, तो वरना ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली मैदान था और सीधा हमने जाना होता था। अभी ये जो बैरियर्स क्या बोलते हैं इनको, ये कोविड के बाद लगी हैं। अब हम यहाँ से पैदल चल के अंदर हरम में जाएंगे। ये मूवनपिक और पुलमान जमजम की पार्किंग है, इसके अंदर से ही हम लोग निकल के हरम की तरफ जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि हमें जोहर की नमाज मिल जाएगी, और हम 12:30 से पहले पहुंच गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम कोशिश करेंगे कि जोहर की नमाज से पहले तवाफ़ कंप्लीट कर लें, फिर जोहर पढ़ के हम सही कर लेंगे, ये हमारे लिए ठीक हो जाएगा, और हम 3 बजे इंशाल्लाह खैर से बच्चों के पास घर भी पहुंच जाएंगे। तो बस अब अंदर चलते हैं और तवाफ़ करते हैं। पहले मैं जमजम पीऊँगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के दो साल बाद ही अल्लाह ने मौका दिया कि हम लोग आए ऐसी पाक जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी मुझे देख रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द मक्का मदीना लेकर आए, उन्हें मक्का मदीना देखना नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। और ये वबा अल्लाह ताला जल्द से जल्द अब हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म करे। और जिन लोगों की जो भी मुराद है, जो भी दुआ है, अल्लाह ताला उन्हें पूरी करे। जो लोग औलाद के लिए तरस रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक सलाहत औलाद नसीब करे। जिसने मुझे दुआ का कहा था, अल्लाह ताला उन सब की दुआएं पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। ने मुझे YouTube पे Instagram पर मैसेजेस किए थे कि आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैं उन सब के नेम पेपर पे लिख के लेकर आई हूँ, आराम से सुकून से बैठ के फिर उनके लिए नाम लेके दुआ करूँगी इंशाल्लाह, और कबूल करने वाला तो अल्लाह है। 7 साल से सऊदी अरब में रह रही हूँ, लेकिन आज मैं फ़र्स्ट टाइम दिन में उमरा करने के लिए आई हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि ऊपर सख्त धूप है और नीचे फर्श ठंडा बर्फ़ हो रहा है, पैर बिल्कुल नहीं जल रहे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तवाफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, बस अब सही स्टार्ट करते हैं। खाना कावा का ऊपर से मंज़र है हसीन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी सफ़र शुरू, यहाँ से हम अपना पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे। ये सफ़ा की पहाड़ी का बचा हुआ टुकड़ा है और यहाँ से सही स्टार्ट करते हैं। पहाड़ियाँ हैं, जो लोग सही नहीं कर सकते, जैसे जिनको पैरों में तकलीफ़ हो, जो अपने पैरों पर नहीं चल सकते, या वैसे भी इतनी ताकत नहीं होती, थोड़े एजिड लोग या जो बीमार होते हैं, वो लोग इस ऑटोमेटिक गाड़ी पर कर सकते हैं। इनकी लाइन ही अलग बनी हुई है, इधर बीच में नहीं, इनके लिए एक अलग लाइन बनी हुई है जैसे वो लोग कर रहे हैं। बट अभी अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई है कि मैं अपने पैरों पे कर सकती हूँ, तो इसलिए बाकी आगे का अल्लाह मालिक है। ये जो आप ग्रीन पट्टी है, वैसे तो सबको पता होगा बट मैं फिर भी बता देती हूँ, जो जहाँ पर ये ग्रीन लाइन्स होती हैं, यहाँ पर आपको भागना होता है, चलना नहीं होता, क्योंकि बीबी हाजरा जब भागी थी, जब जमजम फूटा था, तो वो इस एरिया में भागी थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ग्रीन लाइट्स लगाई हुई है कि यहाँ पर भागना होता है फिर आगे जाके चलना होता है, जैसे कि सब भाग रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप मदीना का तो हमेशा वीडियो डालती हैं, लेकिन आप इतने साल से सऊदी अरब में रह रही हैं, कभी आपने उमरे का व्लॉग क्यों नहीं डाला? तो भाई मैं आपने उमरा किया भी है कि नहीं किया? तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये कोविड नहीं था तो हम वीकेंड पर ऐसे ही नॉर्मली उठकर आ जाया करते थे, ऐसे तब अपॉइंटमेंट्स के और इन चीज़ों के झमेले नहीं होते थे, लेकिन मैं व्लॉग्स नहीं बनाती थी, मतलब ऐसे ही बस दिल ही नहीं करता था, या मतलब कोई मेरी इंटेंशन नहीं होती थी कि मैं पता किसी वजह से नहीं बना रही, बस ऐसे ही नहीं बनाती थी। और अब जब बना रही हूँ तो इस पे भी मुझे 100% श्योर है कि कुछ ऐसी पब्लिक है जो कहेगी आप इबादत में टाइम गुजार लेती हैं, आप व्लॉग क्यों बना रही हैं, तो बरए मेहरबानी ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया करें।
थोड़े थोड़े टाइम निकाल के इबादत के बाद ही वीडियो शूट हो रही है, पूरा टाइम तो नहीं मैं आपको, मैंने तवाफ के साथ चक्कर दिखाए, सही के साथ चक्कर दिखाए, ऐसा नहीं होता है। पूरी इबादत करने के बाद ही जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है उसमें ब्लॉग शूट हो रहा है। ये तीसरा चक्कर है ना, तो दिख रहे हैं ना ये सही के फ्लोर्स हैं, ये 1, 2 और 3, और हम जहाँ पे कर रहे हैं ये है ग्राउंड फ्लोर और बाकी इसके 3 फ्लोर और हैं। से वीडियो बना ली मरवा के पहाड़ की, बट यहाँ से ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो यहाँ से देख रहे हैं। छठा चक्कर स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा थक गई हूँ इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, अभी पानी वगैरह पीऊँगी और फिर छठा चक्कर स्टार्ट करेंगे। ये सफ़ा के पास ही बैठे हैं इधर, तो ये पेपर्स पे मैं सबके नाम लिख के लाई हूँ जिन जिन ने मुझे मैसेज किए थे कि आप प्लीज़ हमारे लिए ये दुआ मांगिएगा, तो बस अब सही ख़त्म करने के बाद मैं आप सबके लिए दुआ मांगूँगी, बाकी कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। तो मैं खताकार हूँ, मेरी कोई भी औकात नहीं है कि मैं आप सबके लिए दुआ मांग सकूं, बस अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो मैं आप सबका पैगाम अल्लाह ताला तक पहुंचा देती हूं, बाकी कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। सभी सातवां स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। अलविदा हरम, अलविदा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्दी आएंगे। बाकी अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब करें, आमीन सुमा आमीन। फिर इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, अलविदा। तो बस अभी हम हरम से बाहर निकल रहे हैं और अभी हम जाएंगे साई बाल कटवाएंगे और फिर बस हाईवे का रास्ता पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी की बातें मैं आपसे ज़रा बाल वाल कटवा के फिर करती हूँ। मैं 7 सालों में, जैसे मैंने आपको अंदर भी बताया, 7 साल में पहली बार डे टाइम में आई हूँ, क्योंकि हम हमेशा जब भी आए हैं रात में ही आते थे, थर्सडे की, क्योंकि वीकेंड होता था तो हम हमेशा रात में आते थे, लेकिन आज पहली बार मैं दिन में आई हूँ। तो देखते हैं कि बाल कटाने का क्या सिस्टम है, क्योंकि कोविड से पहले तो जैसे ही इधर हरम से बाहर निकलते थे तो भाई साहब वगैरह आ जाते थे और पकड़ लेते थे कि भाई बाल बाल बाल, तो अब ज़रा चल के चेक करते हैं कि क्या सीन है, तो फिर साईं बाल कटवाएंगे। कोविड से पहले आते थे यहाँ रात में तो ये सहन ओवरलोड होता था, हम उमरा करने के बाद यहाँ पर बैठ जाते थे, जो भी हमने खाना पीना लेना होता था वो सामने सारे होटल्स हैं, हम वहाँ से खाना पीना लेते थे और इधर सुकून से बैठते थे और बच्चे खेलते थे। अब तो हर चीज़ चेंज हो गई है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, मगर अच्छा है कि ये SOPs को फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हमारी सेफ्टी। बट आई विश मैं दुआ को लेके आ सकती, क्योंकि उसको बहुत शौक है, वो TV में देखती है कि मुझे यहाँ जाना है मुझे जाना है, बट बच्चे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो मैंने उसके लिए वीडियोज़ बनाई है और वो व्लॉग देख के भी बहुत ज़्यादा खुश होगी। हमने 2-3 बार उन्हें कॉल किए तो उसने कहा है मम्मा बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और अब मैं लंच कर रही हूँ। मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाले जो तोप में भाई हैं ये हमें लेके जा रहे हैं बाल कटाने के लिए। लाइन से बार्बर शॉप से थोड़ी बहुत शॉप्स हैं जो खुली हुई हैं, मोस्टली बंद ही हैं, बस 3-4 ही खुली हुई हैं। ये ऊपर हम आए थे साई की कटिंग के लिए, मेरे भी बाल कट गए, बस अब हम बस की तरफ जाएंगे, बस में बैठेंगे, अपनी गाड़ी लेंगे और जद्दा के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला। शुक्रन। यहाँ पे सारे कबूतर हैं, उस तरफ तो बहुत सारे थे और मुंह पे चिपक रहे, पता नहीं कबूतर क्यों बहुत ज्यादा मुंह पे चिपक रहे हैं और मुझे लग रहा है इनको लग रहा है कि मैं दाना डालने आ रही हूँ।
मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। जल्दी 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 आगे हैं उसी जगह पर जहाँ पर बस ने हमें ड्रॉप किया था। सेम जगह है, बस आगे चल के हमें बस मिलेगी और फिर हम बस में बैठेंगे और वहाँ से हम अपनी गाड़ी में जद्दा के लिए रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये बस से उतरते ही हमारी गाड़ी सामने है। माशाल्लाह कितना सही उतारा है बस ने, जबरदस्त हो गया, ये तो बेहतरीन काम हो गया ना साई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से उमरा हो गया, कोई गर्मी नहीं लगी, कोई धूप कुछ भी नहीं था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और तब तक अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने गिवान।